Hello and welcome to Buy Environi. Making a comeback is not everyone's cup of tea, and making one in a legendary fashion is not everyone's cup of tea again. So doing that very well is Honey Singh. Welcome to Buy Environi. Thank you very much. And congratulations. We'll get to the details of all the comeback and the new song that's out, but can I have my invite signed right in the beginning? Sure, sir. So right in the beginning, congratulations on Loca. I've been hearing this, and I have to tell you, this is a song that sort of grows on you. Yeah. I've been hearing this some like on loop, to be honest. And like it has this groove to it that sort of like grows on you really well. Yeah. Tell me, where did the song come from? Since 2017. The promotion karna bahut zaruri hai. So right in the beginning, we'll be like Loca. Loca yeah. On T-Series. Yeah, Loca on out T-Series. Now. Yeah, definitely. 2017 से I was observing कि भी इंडिया के अंदर रेगेटॉन म्यूजिक लैटिन अमेरिकन म्यूजिक बहुत चल रहा है स्ट्रेट फ्रॉम डेस्पासितो काफी सारा दैट्स ट्रू हाँ तो मैंने कहा लेट्स ट्राई समथिंग कि कुछ स्पैनिश वर्ड उठाया जाए और उस पर कुछ रेगेटॉन म्यूजिक ही बनाया जाए तो वी जस्ट पिक्ड अप दिस वर्ड लोका लोका मीन्स क्रेजी गर्ल तो लोका राइम करना बहुत आसान है लोका धोखा मौका चौका सो वी जस्ट पिक्ड इट अप यार इस पे कुछ करके देखते हैं तो फिर हमने पहले मैंने बीट बनाया फिर उसके बाद फ्लो बना फिर ये हुक लाइन हो गई तैयार फिर गाना लिखना शुरू किया और मेरी टीम में तीन लड़कियां थे वेरी यंग बॉयज और सिंगस्टा होमी दिल्ली वाला एंगल गोलू सो वी ऑल वर जैमिंग टुगेदर और ये गाना हमने तकरीबन 2 घंटे में पूरा कर दिया पहले तो ये था कि मैं ट्रैवल बहुत करता रहा तो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स मैंने बनाए होटल्स में ही बनाए और वर्ल्ड वाइड स्टूडियोज में घूम घूम के बनाए और मेरा ये मानना है कि अगर आप 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे में कुछ अच्छा क्रैक कर लेते हैं तो वो बहुत बेस्ट पीस होता है अगर आप उसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो आप उसके अंदर जो नेचुरल एसेंस है वो ख़त्म कर देते हैं तो जितने भी गाने इनफैक्ट लुंगी डांस हो गया ब्लू आइज हो गया लव डोज एंड ब्राउन रंग को टाइम लगा था मेरे गाने को एंड दिस लोक का धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना ये सारे 2 घंटे 3 घंटे यू हैव टू गो विद द फर्स्ट इंस्टिंक्ट या एग्जैक्टली इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन इट यू हैव टू फॉलो दैट यू नो इन द बिगिनिंग आई स्पोक अबाउट हाउ यू हैव मेड दिस really cool comeback yeah. and I don't think everybody can do it as beautifully as you have yeah. Tell me you know when you sort of stayed away for a couple of years I remember Mr. Bachchan once said that when he stayed away for 3-4 years in the middle he was very scared because it's an industry where I know everyone's sort of looking out for each other but then there's also a competition which is healthy yeah. and he said that I was a little scared that there's always another person who's ready to take your spot yeah. and it can happen yeah. so did it ever make you nervous that because at the end of the day I'm not saying it's you're replaceable, but then there's like you've created a space for yourself. Yeah. But then while you're away, somebody could take it. Definitely. Did that make you nervous at all? Not at all. Bachchan साहब का जो सोच रहे हैं उनको मैं वो नहीं करना चाहूँगा कि उनका सोचना गलत है. उनका सोचना था लेकिन मेरे को एक भी दिन टचवुड ऐसा नहीं लगा कि यार मैं ये पीछे ना रह जाऊँ क्योंकि जब मैंने शुरू किया था 2012 में मेरी फर्स्ट एल्बम ब्राउन रंग अंग्रेजी बीट शुरू हुआ तो उसके दौरान क्या हुआ कि मुझे पूरे इंडिया से टेक्स्ट आते रहे और दोस्त बताते रहे भी तुम्हारा गाना बैंगलोर में चल रहा है कलकत्ता में चल रहा है मैं कहा यार पंजाबी गाना कहाँ चलेगा झूठ बोलते हैं तो मैंने कहा नहीं लेट्स 2012 में That's not true at all. I studied in Bangalore. बहुत चल रहा था वहाँ पे सही तो हमने कहा कि मैंने सोचा कि चलो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एक बार इंडिया टूर करते हैं तो हमने 2012 पूरा इंडिया टूर किया उसके दौरान मैंने काफ़ी सारे गाने बनाए तो एक बारी अगर आपको किले फतेह करना है तो एक बारी आपको सब करना होता है उसके बाद हमने 10 गाने दे दिए 12 गाने दे दिए अगर आप सीन से बाहर भी हैं आज भी मैंने शोज़ करने शुरू अभी करें दोबारा मैं नहीं कर रहा था मैं गाने बना रहा था 2017 से लेकर अब तक मैंने 60 गाने बनाए आई हर्ड दिस तो मैं शोज़ भी नहीं शुरू कर रहा था तो मैंने ये से जिक्र हुआ मेरी फ्रेंड है एक तो कहती है कि तुम ठीक हो सब कुछ बढ़िया शोज़ क्यों नहीं कर रहे तो मैंने कहा नहीं बस मैं ना सोच रहा हूँ कि थोड़ा आराम से करूँ कहते नहीं तुम अभी शो करोगे तो जो पुराने गाने हैं ना उन पर लोग जो उस टाइम छोटे थे वो बड़े होंगे वो और ज़्यादा इन्जॉय करेंगे उस चीज़ को तो मुझे नहीं लगता कि मैं सीन से बाहर था गाने मेरे ऑलरेडी बज रहे थे yeah. लोग प्यार कर रहे थे तो मैं उनके दिलों में उनके डीएनए में हूँ मेरे को कहाँ से निकालेंगे वाह वाह दिस इज फैब टेल मी यू नो आई फील लाइक सिटिंग इन 2020 राइट नाउ because the digital space is exploded a lot and yeah. which is very cool because with singers now you have a face to it you have a video exactly. how important is sort of making the video crazy because yeah. I feel like it's very important that you show that there's effort spent on it money spent on it exactly. it has look a certain way exactly. so how involved are you in making the you video you know I started my career as an independent artist yeah to pehle main music director tha sirf logo ke liye music banata tha
फिर मैंने कहा चलो धीरे धीरे कुछ लिखना शुरू करते हैं, लिखना शुरू किया लोगों के लिए. तो उसके बाद कई गाने ऐसे थे जो बहुत फ्यूचरिस्टिक थे, तो लोग जो बाकी लोगों ने नहीं गाए मैं उनको बोलता रहा गाइए, वो नहीं गाया उन्होंने. तो मैंने गा के देखा, जिसमें से गाना था ब्राउन रंग, मेरा फर्स्ट डेब्यू. सो आई थॉट कि इंटरनेशनल म्यूजिक लोग उस वक्त बहुत सुन रहे थे, एकॉन के गाने और एनरिके ग्लासेस एंड ऑल. तो मैं कहा अगर मैं अर्बन बीट पे लोकल बातें करूँगा, स्ट्रीट बातें करूँगा, तो मुझे पता है ये लोग पसंद करेंगे. लेकिन एक फैक्ट और चाहिए कि बड़ा विजुअल चाहिए. तो मेरे गानों को जो स्केल, मैं गानों को लग्जरी, उसमें गाने के मेरे में अल्कोहल, लग्जरीज, लाइफ, लाइफ स्टाइल की बातें होती हैं. तो अगर वो आप बातें कर रहे हैं तो आपको दिखाना भी ज़रूरी है. तो उसके लिए बड़े बड़े वीडियो बनाने पड़ते हैं. Yeah, I mean it's very cool because like you said there's a certain scale that comes with the video and I think that's important too. You know it's very cool and I think it's one of the most important things that you've done because when you went away for a bit and then you came back and you spoke about the bipolar part, your alcoholism, because I graduated in psychology in Bangalore. And I think this is a space that people are sort of, there's a lot of stigma around it. Yeah. But I feel like it's very important for you to talk about it. And like even silly things like going to therapy. Yeah. Like people think it's a huge deal, but it's not. It's just like, it helps you, so do it. So, but like because there was stigma around it and like log, you know, like they talk about stuff like that. Yeah. Did you ever worry about a negative thing about it? सिर्फ इस बात की बात नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके मैं नेगेटिव चीज़ों को फॉलो ही नहीं करता हूँ. मेरे नज़दीक ही नहीं आ पाती है. चाहे मैं गाना बना रहा हूँ उस पर भी नेगेटिव कमेंट है, मैं कभी कमेंट पढ़ता नहीं हूँ, तो नेगेटिव चीज़ें मेरे तक आ ही नहीं पाती हैं. और जहाँ तक है कि मैंने अपनी उस बीमारी के बारे में बात करी तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरी फैमिली तो है ही है, मेरी सबसे बड़ी फैमिली मेरे फैंस हैं, तो उनको पता होना चाहिए मैं कहाँ गया. ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि क्या हुआ. तो डेफिनेटली मैंने उस दौरान कुछ गाने भी लिखे हैं जो थोड़े सीरियस हैं, थोड़े फिलोसफिकल हैं. तो अभी थोड़े कमर्शियल गाने करके आई विल टेल माय स्टोरी एज वेल इन अ सॉन्ग. फैब. हां, तो वो बहुत जरूरी है मुझे लगता है. वेल डन, वेल डन. आई एम वेरी प्राउड, वेरी प्राउड. इट मेड मी वेरी हैप्पी बिकॉज़ देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु टॉक अबाउट वेरी ऑनेस्टली. देयर इज यू, देयर इज दीपिका, देयर आर पीपल हु हैव यू नो गॉन आउट एंड ओपनली स्पोकन अबाउट द मेंटल पार्ट दैट दे वेंट थ्रू. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थ्रो लाइट व्हेन यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी बिकॉज़ पीपल लिसन टू यू. एग्जैक्टली. ऑन दैट वेरी हैप्पी नोट राइट नाउ वी विल टेक द फर्स्ट ब्रेक ऑन बाय बाय रोनी. थैंk you very much. You guys take the first break. When we come back there's a game to play, things to win, and a few more conversations to have. I can't say it. One answer you give, honey, that's it. I'm done with this. Himesh Rashmiya. Honey, welcome back to Bhai and Varuni. Are you having fun? Maze. Perfect. Now tell me, you know, I know I'm dwelling a lot on this break that you took, but I remember you speaking about this part where you sort of exerted yourself a lot at that point in time. You were working a lot. Too much. You had a lot on your plate. And I also understand that there's a certain kind of rush that this industry gives you because you're on the stage and you're performing and you want to do everything that you want, right? Which sort of broke you in the middle. Yeah. But tell me, now that you've come back, are you being careful about this and you're picking up things that you can do at that point in time? Very much. Us dauran ki baat hai jab main tours ki tarah बहुत सारे गाने बनाता था, बहुत सारे वीडियो शूट करता था. तो वो मुझे लग रहा था कि जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ ना, ये मेरी हेल्थ ज़रूर ख़राब करेगी. मुझे खुद पता था क्योंकि मैं स्लीप लेता ही नहीं था, सोता नहीं था बहुत कम, और हमेशा हाई रहना, नॉट ऑन स्टफ बट जस्ट लाइक हाई रहना, पार्टी करना, इतना काम करके फिर पार्टी करने चले जाना. तो वो चीज़ें ख़राब हुई, उस चीज़ों की वजह से काफ़ी कुछ ख़राब हुआ. तो अब मैंने ऐसा कर लिया, अपना बेसिकली पिछले 15-20 साल से मैं नाइट मैन था. तो मैं रात को ही काम करता रहा, दिन में सोता रहा. बिल्कुल, मैंने गानों में भी लिखी है चीजें. Yeah, I'm completely on the same page with you. I'm a night owl. I can work only in the night when there's peaceful. Same. Yeah. लेकिन अब मैंने अपना सारा स्केड्यूल ठीक किया. मैं सुबह जल्दी उठता हूँ. अक्षय बाजी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी. जल्दी उठता हूँ, जल्दी काम करता हूँ. और जो काम मुझे 2 दिन में करता था मैं पहले, आज मैं वो 20 दिन में करता हूँ, आराम आराम से करता हूँ. Which is very much important. Absolutely. Yes. Tell me, you know, your sort of, I think there were multiple points when your lyrics also got into trouble. Yeah. Because of the whole situation. But I understand where they're coming from. Yeah. But I feel like because of social media and digital and all of that, I feel like we are sort of dissecting things a lot more today, right? Exactly. Do you feel like as a country and like as a world for that matter, do you think we're getting a little too sensitive? And I feel like today we get offended very fast. Fast, yeah. Do you? Does that concern you? बिल्कुल, exactly ये है. मुझे लगता है हम सबको अपनी सोच बदलनी चाहिए. हम लोग पीछे जा रहे हैं. अगर आप पीछे के गाने सुने, महबूबा महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं, जब सहरा में मिलते हैं, सो वो चीजें बहुत आगे की बातें कर रखी हैं.
और कितनी जुम्मा चुम्मा दे दे एंड ऑल दैट स्टफ चोली के पीछे गया तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता था. करेक्ट. आज आप छोटी सी बात करें तो हर बंदा आपको जज कर रहा है और ऑफेंड हो जाता है. ये क्या कह दिया इसने, वो क्या कह दिया इसने. लेकिन मुझे लगता है आर्टिस्ट को अपने जो मेजॉरिटी फैंस हैं उनको देखना चाहिए कि अगर मैं एक चीज़ बना रहा हूँ 80 लोगों को पसंद आ रही है, 20 को नहीं आ रही, तो उसको भी पॉजिटिव लेना चाहिए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते. तो मेरी ये सोच है. यू नो, बिकॉज समटाइम्स व्हेन आई फील लाइक व्हेन यू क्रिएट समथिंग एंड व्हेन यू राइट समथिंग, यू नॉट लाइक ट्राइंग टू ऑफेंड समबडी, इट्स जस्ट लाइक फ्लोइंग. एंड समटाइम्स आई फील लाइक अ जोक और टू इज ऑल्सो सपोज टू बी अ जोक. एंड सो आई फील लाइक समटाइम्स नाउ वी आर लाइक वी जस्ट लुकिंग फॉर लाइक निटिग्रिटीज वेयर वी कैन लाइक ओह दिस इज लाइक अ प्रॉब्लम. So, I mean, do you sort of, have you changed the way you write because of like people getting offended? Not at all, not at all. Because I'm following the majority. Majority is lagging, they want this thing. Yeah. अभी क्या हुआ कि जब इंडियन सिनेमा में थोड़ा सा कुछ वाइल्ड होना शुरू हुआ, जो मतलब डिफरेंट डायरेक्टर्स आए, जैसे अनुराग कश्यप हो गए, दिबाकर बनर्जी हो गए, इन लोगों ने डिफरेंट सिनेमा लेके आए, उसमें एक्सप्लिसिट लैंग्वेज थी, ये सब था. उनको समझ में आया कि ये चीज़ मेजॉरिटी पसंद कर रही है, माइनॉरिटी नहीं पसंद कर रही. कम लोग नहीं पसंद करें, ज़्यादा लोग कर रहे हैं. इन्होंने वो किया, वो चीज़ कामयाब हुई. पिछले 10 साल पुरानी बात है. अब इतना अच्छा जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आ गया है, उस पर आप देखें नेटफ्लिक्स एंड ऑल दिस स्टफ, वो चीज़ बढ़ रही है. तो मुझे लगता है कि अगर वो पर्दे में बढ़ रही है तो उसको खुला भी बढ़ाना चाहिए. इट्स मोर रियल देन लाइक बबल गम एंटरटेनमेंट. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. सो मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लोगों को थोड़ा और इजी होना चाहिए चीजों को लेके. टोटली. हम आगे जा रहे हैं, 2020 आ गया, 47 नहीं है. दैट्स ट्रू. या 47 वाज व्हेन वी गॉट फ्रीडम. एग्जैक्टली. सो माइट एज वेल लिव इट. या एग्जैक्टली. नाउ दैट वी हैव स्पोकन क्वाइट अ बिट, दिस इज टाइम टू विन समथिंग ऑन द शो. इज द गोप्रो ट्रैवल चैलेंज. आर यू रेडी टू विन द गोप्रो? डेफिनेटली. आई नो देयर इज नोबडी कंपीटिंग विद यू, बट आई स्टिल वांट द स्टोरी. ओनली देन विल आई गिव यू द गोप्रो. ओके. ओके, वी विल गेट द गोप्रो हैम्पर फर्स्ट. All right, this is the GoPro Travel Challenge. Honey, this is a new GoPro Hero 8 that you could win. I know I've already told you what you have to do to win this. You have to have a crazy, adventurous, fun story in a minute. Okay. Now, I said again that there is nobody competing with you, but the story has to be good. Sure. Otherwise, I'm taking it home. Sure. बड़ी मजेदार कहानी थी. हम लोग ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए थे शाहरुख खान साहब के साथ. हाँ. तो उसके दौरान कुछ प्रॉब्लम आई कई वहाँ पर. किसी ने मतलब प्रोटेस्ट किया कि हनी सिंह को नहीं आना चाहिए, ये है वो. ओह रियली? या ये अल्कोहल प्रमोट करता है, ये सब करता है, वो सब करता है. तो वहाँ वो टूर नहीं प्लान हो रहा था. तो उसके बाद शाहरुख सर ने कहा कि अगर ये नहीं आएगा तो टूर ही नहीं होगा. क्रेजी. बड़ी मज़ेदार चीज़ लगी मुझे. और जब हमने वो शो किया उसके बाद मैं अब रूम में चला गया, मेरे साथ मेरा सारा क्रू था. वी वर लाइक एंजॉयिंग एंड पार्टिंग. तो उसी वक्त मैंने एक बीट बनाई, उसी वक्त एक गाना लिखा, और वो गाना था 4 बॉटल वोट का. तो जब शाहरुख भाई को सुबह हमने सुनाया कि ये गाना बनाया 4 बॉटल लौट के, ये क्या बकवास है, ये कौन सा गाना होता है. मैं कहा ये 4 बॉटल लौट का वो है जो रात को खत्म करी हमने. तो एक वो भी बहुत बड़ा रीजन था इस पूरी जर्नी का, कि बहुत फनी चीज हम लोगों ने करी. और जर्नी ये हुआ है मेरे साथ कि जो मैंने चीजें करी हैं वही लिखी हैं और वही लोगों को समझ में भी आई हैं. तो एक ये मजेदार सी कहानी है. दैट्स क्रेजी एक्चुअली. इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट यू सॉर्ट ऑफ वेंट फ्रॉम दैट एंड केम आउट विद द सॉन्ग. क्रेजी. ओके, लिसन, आई थिंक यू हैव गिवन मी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इन लेस देन अ मिनट. वेल डन. नथिंग टू वरी अबाउट. सो दिस वन गोज टू यू. आई विल गिव यू दिस right after the show. Okay. All right. Okay, otherwise it's very heavy to like lift right now. All right, congratulations on the GoPro. This is the second segment and the end of it. We'll take the last break on By and Irony. When we come back, we have the very famous, very infamous Quickie. We'll see if he gets the hamper or no. I don't follow the rumors much. मेरे अपने को लेके बहुत rumors होते हैं. I can't say that. Two answers like I've like you know like निचोड़ के I've gotten out of you. this is one big Hindi word that I've been. निचोड़ के. निचोड़ के. Welcome back to Bhai and Maroni. Welcome back, Honey. This is the last and final segment. You have taken away the GoPro already. Yeah. Now this thing has entered the set, which is the hamper for. Very famous, very infamous. What we call here is the Quickie. These are quick questions, quick answers. If you give me, I was going to say, if you satisfy me with the answers, then you can take this home. Sure. Okay. Are you ready for this? Yes. Perfect. So, Honey Singh, this is your Quickie. Be quick. Yeah, that's the word. I'll try, man. Honey, what is your most embarrassing personal habit? Nothing. Yeah, I don't wear socks.
Oh, interesting. Less ugly. that is a personal habit that could be borderline embarrassing. Yeah. Okay, cool. If you were single, honey, I know your wife is around, but that's fine. If you were single, which one Indian celebrity would you like to take out on a date? Current or old school? Current. Yeah. Matlab date tak kaafi hai. That's all. Just a date. Just a dinner. Just a dinner. Alia Bhatt. Oh, yeah. Makes sense. Who is one Bollywood actor who should stop singing? I can't say that. This political correctness is not flying too much here. Okay. What is the first thing you notice in a girl? Smile. Yeah, great. What if you woke up one morning and realized that you turned into Neha Kakkar? Stop thinking. Say it. Okay. I'll sing more. Because ye kafi nahi hai. Yeah, she's already singing a lot. Okay. So I'll sing more. Okay, you'll sing more. Yeah. Okay. Well, very interesting. Okay. Yeah. And what if you woke up and you realized that you turned into Diljit Dosanjh? Diljit Dosanjh. I'll be proud because he's a turban guy. Yeah. So I'll be proud, yeah. That's true. Yeah. What would you do if a guy hit on you? I'll say sorry, brother. Brother is the keyword. Yeah, is the keyword, yeah. Okay. Who is one composer who needs to be more original? I can't say everybody's original, what I believe. Everybody. Yeah, true. I'm saying the truth. Everybody's original. Even though they're making remake, but they're original. Okay. If you were to sell yourself to a crush of yours, okay, this is, imagine you were single and there's somebody that you were crushing on and you have to sort of sell yourself with 3 traits. What are these 3 traits that you would tell her? 3 traits? Traits, like 3 personality traits of yours. Okay. I sing, I rap, I dance. Oh, that's enough. And personal performance. Yeah. Okay. What is one recent Bollywood rumor that you believe to be true? I don't follow the rumors much. Mere apne ko leke bahut rumors hote hain. I have to tell you, you're very clever at this game. Everywhere you think like this could be a little problem, you're a politician. Oh, no, okay. Who is one actor who you think is overrated? Overrated? I can't say it. One answer you give, honey, that's it. I'm done with this. Everywhere you're like, no. Himesh Rashmiya. Now you call him an actor. So he's my friend. Yeah. Okay. I don't know. Okay, who's your biggest competition? Now don't say myself and all that. No. This is, okay. I knew this answer would come. Okay, Drake. Oh, that's fab. Yeah. I love the whole international Grammy winning thing. Well done. And finally, if not singing and acting, what is one alternative career for you? Businessman. What business would you do? Anything in trading. Oh, are you good at this? Yeah, I'm very good in it. Very, very interesting. I have to tell you, like, 2 answers, like, I've, like, you know, like, nichodke I've gotten out of you. this is one big Hindi word that I've used. Nichodke, yeah. Nichodke. All right. Well done. But, like, I feel like you could have done better, though. Chalo, next this time. This is your warm-up. Next time you come on the show, you give me, like, definitely. Be better at this. Definitely. Okay, chalo. There we go. This one's slightly heavy. Be careful. Yeah. All right. Congratulations. Thank you so much for coming on by Byroni. How many millions are Loca at as of now? Right now it's 30. 30. In 3 days. By the time this video releases, many more millions. Please watch it on TCDs. Loca is out already. Yeah. Watch it, spread it, share it. Yeah. Like, comment, subscribe. Yeah, definitely. TCDs doesn't need more subscribers. They're already like, subscribe here. Subscribe everywhere. Yeah. Thank you so much again. Thank you very much. Please keep coming back on Byroni. You're always invited. Thank you very much. All right. And thank you so much for tuning in, you guys. Along with watching Loca, I'll see you guys next week, same place, same time.